हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जयश्री झा ब्लॉग। आज मैं आप सभी के साथ एक मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत सिंपल सा है और मैंने कुछ भी ज़्यादा चीज़ यूज़ नहीं किया है। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लीन कर लूँगी और फिर उसके बाद मैंने यूज़ किया है गुड वाइब्स का रोज़मेरी एनर्जी मिस्ट यूज़ किया है। फिर उसको अच्छे से ड्राई होने देंगे, फिर उसके बाद मैं यूज़ करूँगी गुड वाइब्स का ही मॉइस्चराइजिंग पपाया ब्राइटनिंग क्रीम। उसको अच्छे से हम अपने फेस में मसाज कर लेंगे, मॉइस्चराइज कर लेंगे और फिर थोड़ी देर उसे ऐसे ही रहने देंगे हम। ये बहुत ही सिंपल सा मेकअप लुक मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि हम एवरीडे घर में कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ब्लू हेवन का बबल गम लिप बाम ताकि हमारी जो लिप्स है वो भी अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए। फिर उसके बाद मैंने यूज़ किया है लोटस का डीडी क्रीम जो कि बहुत ही अच्छा है, आप देख ही सकते हैं। और ये ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेना है, जितना आपके फेस पे आप अपने फेस पे इसको ब्लेंड करिए, अगर आपको लगे तो और ले लीजिए, बट पहले से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है। अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, मैंने अपने फिंगर से ही ब्लेंड किया है क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। आप अगर चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने यूज़ किया है यहाँ पे लैक्मे का लूज पाउडर एक पाउडर ब्रश की हेल्प से हम इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे। ज़्यादा नहीं लेना है, बस थोड़ा सा ही, थोड़ा थोड़ा करके लीजिए। अगर एक ही बार में आप ज़्यादा ले लेंगे तो आपका फेस एकदम केकी केकी सा दिखने लगेगा। मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी लिया है इसका। पहले मैंने लोटस का ये काजल इको स्टे अप्लाई किया बट ये हो नहीं रहा था, ये ड्राई हो चुका था, तो फिर मैंने इसे हटा के फिर मैंने प्लम का काजल यूज़ किया यहाँ पे जो कि बहुत ही अच्छा है। एक ही बार में आपको बहुत ही अच्छा डार्कनेस दे देता है ये। उसके बाद फिर मैंने NYBA का ये वाइट काजल लिया और अपने आई के कॉर्नर में अप्लाई किया है। इसे बहुत ही सुंदर लगता है, ये बहुत ही अफोर्डेबल है, इसका प्राइस बहुत ही कम है। उसके बाद फिर मैंने प्लम का ही काजल लिया और मेरी आईब्रो पे जहाँ कट लगा हुआ था मैंने उसे फिल कर लिया, बाकी मुझे आईब्रो फिल करने की उतनी ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद मैंने एक लोकल मार्केट से ही लिप लाइनर लिया था, मैंने उसे अप्लाई किया है जो कि बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली मेरी बहुत ख़त्म भी हो चुका है इतना। उसके बाद फिर मैंने लिया है लैक्मे का ऑरेंज शेड M12 का, ये मैंने लिपस्टिक अप्लाई किया है जो कि थोड़ी देर बाद पिंक हो जाता है। फिर मैंने उसको हल्का सा पाउडर से मैंने उसे सेट कर लिया है ताकि वो थोड़ा मैटी मैटी सा लगे। फिर मैंने उसके बाद लिया है, फिर मैंने अपने हेयर को ऐसे ही बस बांध लिया। अब चाहे तो कोई भी हेयर स्टाइल कर सकते, एक्चुअली मुझे उतना आता नहीं है हेयर स्टाइल वगैरह। मुझे मेकअप भी उतने अच्छे से नहीं आता है बट फिर भी मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। एकदम सिंपल सा मेकअप है ये। उसके बाद फिर मैंने लोटस का इको स्टे का लिपस्टिक लिया, थोड़ा पिंकिश है ये, उसी को लेके फिर मैंने अपने ब्लशर बना लिया मैंने उससे, ये बहुत ही अच्छे से हो गया। और फिर मैंने हल्का सा पाउडर से उसे भी सेट कर लिया ताकि वो नेचुरल सा लगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर ये मेरा मेकअप लुक आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना।